बुरी तरीके से खून बहाया है। ये खून बेकार नहीं जाएगा, एक एक खून का बदला, एक एक खून के बदले ये सत्ता जो निकम्मी सरकार है ये बदल कर। और चार सीटें उप मुख्यमंत्री इनके कुकर्मी कुमार के सरकार में पुलिस ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शांतिपूर्ण मार्च को किस तरह से दौड़ा कर मारा जा रहा था, आपका टीम देखा है, आपके टीवी ने लाइव दिखाया है, हम लोगों को इधर से मार के इधर तक कहां कहां दिया। आप मौजूद है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर और यहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और इधर आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उनके बगल में आप देख सकते हैं वहाँ पर रविशंकर प्रसाद जी भी है, नंदकिशोर यादव जी भी है, तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं 13 तारीख को बिहार पुलिस के द्वारा जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, कितने लोगों के सर भी फटे थे, कितने लोगों के चोटें भी आई थी, उसमें से एक है बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके सर में गंभीर चोटें आई है। इन्हीं से हम जाने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ में बैनर यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है नीतीश तेजस्वी की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, क्या कहिएगा जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा, आपका सर भी फटा है। 13 तारीख का जो बिहार में घटना हुआ है पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो 13 तारीख को नीतीश और तेजस्वी की सरकार जो बुरी तरीके से खून बहाया है, ये खून बेकार नहीं जाएगा, एक एक खून का बदला, एक एक खून के बदले ये सत्ता जो निकम्मी सरकार है ये बदल करके रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब तक सड़कों पे संघर्ष करेगा जब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करता रहेगा। जब तक नीतीश और तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है आंदोलन करते रहेंगे। और कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश, कार्यकर्ता मौजूद उनसे भी हम जानना चाहेंगे, आपके भी हाथ में चोट लगी है जिस तरीके से पुलिस की बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ था आप लोगों पर, क्या कहिएगा। आप देख ही रहे हैं अभी ये जनरल डायर का सरकार बिहार में चल रहा है, जिस तरह से पलटू कुमार और चार सीटें उप मुख्यमंत्री इनके कुकर्मी कुमार के सरकार में पुलिस ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शांतिपूर्ण मार्च पर हमला किया। हम लोग इतिहास में पढ़े थे कि जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में बिना किसी सूचना के क्रांतिकारियों पर गोली चलवा दिया था। आप लोग कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मार्च, लेकिन प्रशासन की तरफ से और बिहार सरकार के नेताओं की तरफ से बोला जा रहा है कि आप लोगों ने सबसे पहले मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया। बिहार सरकार के किसी भी नेता में ताकत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक आपकी आपके चैनल का हर एक जगह सीसी फुटेज मौजूद है, एक भी मिर्ची पाउडर भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ में दिखाने का फुटेज दिखा दे तो हम लोग जीवन भर अपना मार्च वापस ले लेंगे। इसके ऊपर मिर्ची पाउडर किसने फेंका? पुलिस जो बम मार रही थी वो खुद मिर्ची पाउडर का बम था, वो हमारे कार्यकर्ताओं के आंख में लग रहा था, दम घुट रहा था और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मूर्छा की अवस्था आ गई थी। ये पुलिस इतनी संवेदनहीन है। आपके हाथों में जो चोटें हैं थोड़ा सा दिखा दीजिए, कैमरा पर दिखा दीजिए, यहाँ पर देखिएगा, दिखाइएगा थोड़ा सा। टीम हर एक जगह मौजूद था, इनको किस तरह से दौड़ा कर मारा जा रहा था, आपका टीम देखा है, आपके टीवी ने लाइव दिखाया है, हम लोगों को इधर से मार के इधर तक कहाँ कहाँ गए। आप ये देखिए कि पुलिस जब लाठीचार्ज करती है तो पुलिस कमर के नीचे वार करती है, मॉब को भगाने के लिए वार करती है, लेकिन जिस तरह से पुलिस लाठी चला रही थी, अपने पूरे ताकत के साथ लाठी चला रही थी और भागते हुए कार्यकर्ताओं पर एक एक लोग पर 15-15, 20-20 पुलिस वाले प्रहार कर रहे थे और कपाड़ पर वार कर रहे थे, कमर के ऊपर वार कर रहे थे। आप देख रहे हैं ये जो लाठी है जो बाप लगा कर रहे हैं कि पुलिस लाठी चार्ज की है, पुलिस भी करे का लाठी चार्ज हुआ है, बल का प्रयोग हुआ है, लेकिन आप लोग की तरफ से मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया गया उसके बाद लाठी चार्ज। मैं बिल्कुल इनको चुनौती देता हूं, अगर कोई फुटेज दिखा दे कि मिर्ची पाउडर का प्रयोग किया गया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। कार्यकर्ता बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे थे, हम लोग भी साथ में थे, लेकिन पुलिस जो है सो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठी चार्ज किया।
विधायक थे, सांसद थे, जिनको पुलिस जानती थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी नेता विरोधी दल थे, और सब पर लाठियां चलाई, वो कहते रहे लेकिन ऊपर लाठियां चलाई गई। जो बैरिकेडिंग थी उसके अंदर जो लोग छुपे हुए थे, कहीं खड़े थे, शांतिपूर्ण ढंग से खड़े थे, उन पर भी लाठियां चलाई गई। ये सरकार हत्यारी है, हत्या के नियत से वहां पर लाठियां चलाई जा रही थी। कई पुलिस के जवानों के हाथ में रॉड तक देखा गया है, और इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार इसी माध्यम से भाजपा के कुछ नेताओं की हत्या करना चाह रहे हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार का मकसद था कि भाजपा के कुछ नेताओं का हत्या कर दिया जाए, और ये जो नीतीश सरकार है, नीतीश सरकार की जो पुलिस है, वो भाजपा नेताओं की हत्या करवाना चाहती थी। तो साथियों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।